पिपरिया से। पिपरिया में निकला ईद ए मिलादुन नबी का जुलूस। पिपरिया नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया। पिपरिया में मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जुलूस निकालकर यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। पर्व में जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों को भी देखा गया। लोगों ने भाईचारे का पैगाम देते हुए एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की, साथ ही साथ नारेबाजी भी की। पिपरिया में ये जुलूस मुस्लिमों के इस पाक पर्व को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य समुदाय द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को मिष्ठान के साथ साथ पानी और अन्य चीज़ें भी खिलाई पिलाई गई। लोग एक दूसरे से गले मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। नगर में ये जुलूस पचमढ़ी रोड मदीना मस्जिद से निकलकर मंगरवाला चौराहे होते हुए शुभापुर रोड स्थित मस्जिद तक गया। मदीना मस्जिद कमेटी, बिलाल मस्जिद कमेटी और आप तमाम हजरात की जानिब से शहर के हर फर्द को, प्रत्येक नागरिक को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत यानी उनको जन्मदिन, अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन ये हमारी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है और उसका नज़ारा पिपरिया शहर ने हर वक्त हर ईद मिलादुन नबी नहीं हर त्यौहार पर दिया है। इस गंगा जमुनी संस्कृति के मरकज पिपरिया में मैं मुसलमानों में पिपरिया की जानिब से हमारे तमाम ही भाइयों को एक बार फिर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो उन्होंने ये मैं पैगाम दिया कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, न वर्गों में भेद है, न किसी जातियों में भेद है। हम इस चीज के मानने वाले दिल से एक दूसरे के भाई हैं और हमारा यही अजम है और यही हमारा एम है। आज हम सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को याद करते हुए और हमारे बीच जो दो साल से कोरोना काल चला आ रहा है, बड़ी जद्दोजहद के साथ हम इस मुसीबत से निकले हैं और इसी मुसीबत के दौर में हमारे साथ पिपरिया नगर में सेवाभावी कर्मचारी और सफाई मित्र हमारे लिए जान हथेली पर लेकर लगे रहे। उन्हीं के इस मुबारक मौके पर हम मुसलमानों ने पिपरिया की जानिब से अंजुमन इस्लामिया के जानिब से उनका सम्मान करना चाहते हैं। जनाब तहसीलदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उन्हें सम्मान पत्र सौंपें। श्री पंचम जी। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।